एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ टीफा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि टैली किस तरह से हम डाउनलोड करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर टैली का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ उस प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम में टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टैली इंस्टॉल करने के लिए, हमें जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरी स्क्रीन पे टैली प्राइम का आइकन बना हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम के ऊपर टैली को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अभी मैं आपके सामने इस टैली को अनइंस्टॉल करूँगा और फिर डाउनलोड करके आपके सामने ही इसको इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले मैं इसको अनइंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊँगा हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर। मैंने टाइप किया कंट्रोल पैनल, यहाँ से मैंने क्लिक किया कंट्रोल पैनल के ऊपर। आप लोगों को दिख रहा होगा ये कुछ आइकन आएंगे, इसमें हम जाएंगे प्रोग्राम्स के ऊपर और प्रोग्रामिंग फीचर्स पे। आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, जिन पे भी आप वर्किंग कर रहे हो, वो सभी आपको कहाँ दिखेंगे, अपने कंट्रोल पैनल के अंदर दिखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल, यस यस कर देंगे इसको, यस। आप देख रहे हैं आगे कंट्रोल पैनल में से जो टेलीग्राम का सॉफ्टवेयर पहले आपको दिखाई दे रहा था अब वो नहीं है। अब हमें जब डाउनलोड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी तक टेलीग्राम का कोई भी सॉफ्टवेयर या टेली के नाम से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमने क्या किया, गूगल क्रोम ओपन किया और इसकी एड्रेस वहाँ पर हम लिख देंगे टेली प्राइम डाउनलोड। जैसे आप लिखोगे वैसे ही टैली की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, टैली सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कहाँ से आया है, टैली सॉल्यूशन से। तो आपको दिख रहा है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड टैली सॉल्यूशन, आपको दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारे पास टैली सॉल्यूशन डॉट कॉम के नाम से, इस पर लिखा हुआ है टैली प्राइम रिलीज 2.1 डाउनलोड। हमें अपना जो लिंक है वो यहाँ से मिलेगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप देख रहे हो सेटअप इसका आ चुका है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर हमसे पूछेगा आप डाउनलोड होना चाहते हो या नहीं चाहते हो, हम यस कर पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आएंगे, एक तो एप्लीकेशन कौन सी है अपनी, टेली प्राइम, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, टेली प्राइम, तो कौन सा रिलीज आप यूज कर रहे हो, 2.1। एप्लीकेशन पाथ, ये जो आपका टेली का जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पर जाके आपको मिलेगा, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स और टेली प्राइम के नाम से आपको आपका ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। उसके बाद आपको करना है इंस्टॉल। देखो आपको दिखा रहा है कि इंस्टॉल हो चुका है अपना टेली प्राइम, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ है, एप्लीकेशन टेली प्राइम की है और ये हमारे एप्लीकेशन पाथ सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल और टेलीग्राम के अंदर जा करके ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या है, स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे।
विंडो आ रही है आपके सामने इसको आप अलाउ कर देना। उसके बाद हमें अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करना है। उससे पहले कंट्री कौन सी है? इंडिया। मैंने आपको बताया था टेलिक इंडिया का सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इंडिया की आ रही है। कंपनी डेटा पार्ट, जो भी आप कंपनी बनाओगे या जो भी आपका डेटा होगा इसके अंदर, वो सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टेली, ARP9 और डेटा के अंदर जाके सेव हो जाएगा। लाइक जैसे कि आपने किसी परचेज का रिकॉर्ड रखा, सेल का रिकॉर्ड रखा, या हमें उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई भी रिकॉर्ड रखना है हमारे एक्सपेंसेस का, हमारी इनकम का, तो सब रिकॉर्ड हमारे कहाँ मिल जाएंगे? डेटा के अंदर ऑटोमेट जाएंगे, सेव हो जाएंगे। आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी, उस पर लिखा हुआ रहेगा वेलकम टू टेली प्राइम। उसके नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, मतलब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, तो आपको इस पे किस पे क्लिक हमें करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपना ट्राई इफ टू फॉर फ्री एजुकेशनल। अगर मान लो आपने टेली का सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किया है, आप एक सीखने के पर्पज से इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन बोर्ड पे क्लिक करेंगे। दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब हुआ जब आप अपनी कंपनी के अंदर मल्टी यूजर्स लेते हैं। मल्टी यूजर्स का मतलब होता है कि मान लो जिस पे आप काम कर रहे हो वो तो आप काम कर ही रहे हो, उसके एवज में आपको किसी और सिस्टम में भी टैली का सॉफ्टवेयर चलाना है या इंस्टॉल करना है, तो आपको यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पे क्लिक करके डेटा पार्ट डालना होता है। वो डेटा पार्ट कहाँ पर जाके आपको मिलेगा ये मैं आपको इस हम अपनी क्लास में लेके आएंगे, उस इसका एक चैप्टर पूरा। उसके बाद रिएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस, अगर मान लो कोई आपका लाइसेंस है आपको दोबारा से रिएक्टिव करना है, पहले से डाला हुआ था उसको दोबारा से रिएक्टिव करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे जाना है आपको। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, आपके पास टैली का आपने लाइसेंस ले लिया है लेकिन आपने अभी तक एक्टिव नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो आप इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और हर ऑप्शन के आगे एक मार्क लिखा हुआ है, जैसे एजुकेशन के लिए टी, नेटवर्क के लिए यू, एग्जिटिंग कोई लाइसेंस है आपके पास पुराना कोई उसके लिए आर, और एक्टिव के लिए ए। तो ये इसकी क्या है, शॉर्ट की। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से टी दबाऊंगा तो आपकी जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो एजुकेशन बोर्ड पे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि हमने टैली को पहले डाउनलोड किया, फिर तो हमने इंस्टॉल कर लिया और टैली का सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट अपने सिस्टम पे कर लिया है। इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट क्लोज करने के लिए या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू का ऑप्शन प्रेस कर दें या फिर क्रॉस का ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। ध्यान रहे टेली ARP9 में जो लोग काम करते हैं या काम करते हुए आए हैं उसके अंदर हम टेली को डायरेक्ट क्रॉस बटन से क्लोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें क्रॉस बटन क्लोज आता था, पहले से बंद आता था ही नहीं। इसके अंदर आपको क्रॉस बटन दिया गया है, यहाँ से भी आप टेली का बंद कर सकते हैं या फिर कंट्रोल क्यू से। अब आप देख रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर टेली प्राइम पे आइकन आ चुका है आपके सामने। अब आपको जब भी अपनी टेली स्टार्ट करनी है तो इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एजुकेशन बोर्ड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू एजुकेशन बोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर टी प्रेस कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप टैली के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सेशन था कि टैली को हम किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम उसको लेके आएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं कि हमें कोई सॉफ्टवेयर दे, हम अपना सॉफ्टवेयर खुद ही इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है इसको चलाने के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप इसे ऑफलाइन मोड पर चला सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास थी वो थी टेली को डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। आगे हम टेली के अंदर आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर कम्युनिकेशन सीखेंगे, काफ़ी चीज़ें आएंगी इसके अंदर जो हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी इस क्लास के अंदर।
आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।